हमारा फोन चोरी होने से कैसे बचाया जा सकता है। हम ये चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई फोन टच करे तो हमें पता चल जाए कौन कौन हमारे फोन को टच किया था, वो हमें कैसे बचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। हाजिर है आपका अपना बंदा टेक्निकल बंदा एक और बेहतरीन वीडियोस के साथ। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हमारा फोन चोरी हो जाता है, तब हम कोई ना कोई स्टेप्स लेते हैं और तब परेशान हो जाते हैं। आपके भाई ने भी इस टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं जिसमें आपको बताया कि अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो क्या क्या आपको करना चाहिए। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। अब बताने वाला हूं कि फोन चोरी ना हो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स ले, कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो अगर आप पहले से अपने फोन में इंस्टॉल करके रखोगे तो आपको वो नौबत ही नहीं आएगी। मतलब अगर आपके पॉकेट से फोन निकलेगा तो वाइब्रेट करने लगेगा, अगर मोबाइल चार्जिंग में लगाए हुए उसको जैसे चार्जिंग से निकलेगा वाइब्रेट करने लगेगा, वाईफाई किसी ने ऑन करने की कोशिश की ऑफ करने की कोशिश की पता चल जाएगा, अगर किसी ने गलत पैटर्न डाला है फोटो क्लिक हो जाएगी। तो मतलब एक अच्छा एप्लीकेशन जिसमें से आप फोन अपनी प्राइवेसी को भी बढ़ा सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो अगर आपका फोन चाहते हो चोरी ना हो तो। आई होप आपको वीडियोस देखने में मजा आएगा, तो पूरी वीडियोस देखिए, उसके बाद अगर लगे कि हमने जेन्युइन मेहनत किया है तो एक थम्स अप देके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। एज यू नो मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं टेक्निकल बंदा बिल टूरन। इस एप्लीकेशन का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। पहला इंटू डिलीट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे जो भी बंदा आपके फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश करेगा उसका फ़ोटो जो है वो कैप्चर हो जाएगा। आप इसमें पिन सेट कर सकते हो, आप इस पर रॉन्ग पिन मतलब कितनी बार रॉन्ग पिन डाले कि आपका फ़ोटो क्लिक कर ले, ये सेटिंग आप आराम से कर सकते हो। बात करें अगर अदर एप्लीकेशन की तो मोशन डिटेक्टर अलार्म है, जैसे इसको एक्टिवेट कर दोगे आपका फ़ोन अगर इधर उधर हिला, मान लो आप अगर पॉकेट में रखे उधर उधर हिला तो वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करने लगेगा। चलो मैं एक डेमो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे ये काम करता है, मोशन डिटेक्शन अलार्म। देखो आई थिंक आपको वॉइस पता नहीं आ रही होगी नहीं आई होगी, देखो अब यहाँ पे पिन मांगने लगा है, अब ये पूरा फ़ोन जो मेरा वाइब्रेट करने लगा है, पिन मांगने लगा है। आई थिंक आपको फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि आई पता नहीं स्क्रीन रिकॉर्डर में हो रहा है कि नहीं, लेकिन देखो जब तक मैं नहीं डालूंगा पिन अब ये मोशन डिटेक्टर बंद ही नहीं होगा। मतलब आपका मोबाइल किसी ने भी उठाने की भी कोशिश की ना तुरंत तुरंत ये आवाज़ करने लगा। अब एंटी पॉकेट डिटेक्शन, मतलब अगर आप पॉकेट में रखे हो और कोई इसको निकालने की कोशिश करता है, होता है अक्सर कि हम मंदिर में जाते हैं या कहीं भी मॉल में जाते हैं तो फ़ोन रखते हैं, अगर कोई भी पॉकेट से निकालने की कोशिश किया तो ये अलार्म बजने लगेगा और पता चल जाएगा। फिलहाल अभी तो मैं इसको पॉकेट में रखा नहीं हूँ इसलिए ये काम नहीं करेगा, आप ट्राई कर लीजिएगा इसको। चार्जिंग डिटेक्शन, डिटेक्ट व्हेन चार्जर इज़ अनप्लग्ड, मान लो अगर आप सिंपली चार्जर लगाते हो और चार्जर को निकाल देते हो तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। चलो मैं थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ आपको। ये हमने चार्जिंग लगा दिया और इसको हमने एक्टिवेट कर दिया, नहाने चले गए, अपना कोई सिंपली काम करने चले गए। अब मैं इस चार्जर को निकालता हूँ, देखो गाइस बजने लगा, ठीक है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको साउंड आ रही हो कि नहीं आ रही हो, लेकिन ये रिंग करने लगेगा बहुत तेज़ी तेज़ी से, जब तक पिन नहीं डालोगे बंद नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। वाईफाई डिटेक्शन, जैसे ही कोई आपका वाईफाई ऑन करने की कोशिश करेगा ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। फुल बैटरी डिटेक्शन, अक्सर होता है कि हम मोबाइल को चार्ज में लगा देते हैं और वो रात भर चार्ज होता रहता है, पता नहीं चलता, इससे इसकी बैटरी भी वीक हो जाती है, तो वो भी अलर्ट मिल जाएगा। जैसे ही मोबाइल जो है 100% चार्ज होगा मोबाइल बजना शुरू हो जाएगा, आप समझ जाओगे कि अब हमको चार्ज से मोबाइल को निकाल देना। काफ़ी अच्छा फीचर है। ईयरफोन डिटेक्शन, सिंपली जैसे ही ईयरफोन निकलेगा आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा, अलार्म बजने लगेगा तो भी आप इसको अलर्ट पा सकते हो। ओवरऑल एक अच्छा ही एप्लीकेशन था, अच्छा है। बाकी यहाँ ट्रिपल डॉट पर क्लिक करेंगे तो वही सारे ऑप्शन फिर से आपको साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी मिल जाएगा, सेटिंग ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आप इसको सेटिंग कर सकते हो, थीम को एक क्लिक के अंदर स्विच कर सकते हो, डार्क थीम, थीम अलार्म कितना तेज बजे, सेंसिटिविटी अपनी सेट कर सकते हो, अलार्म का कोड सेट कर सकते हो, पिन कोड कर सकते हो, सब तो ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो ये था वो एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप ऐसा कर पाओगे। तो गाइस देखो मैंने डिटेल में समझा दिया, तब भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कॉमेंट थॉट इन द कॉमेंट बॉक्स, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी लिख देना। इस टाइप की वीडियो फीचर में देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों जगह आपका बायटेक मिलता है वन नाम से, तो आओ फॉलो करो, बातें करेंगे, मिलते किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑलवेज कुछ नया सीखते रहिए।